बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे
मेरे लाड लो जागो, मेरे लाड लो जागो। Oh, oh, oh.
एकाग्र करेंगे आत्मा पर। भ्रकुटी हमारी कुटिया है और मैं आत्मा, चमकती हुई मणि, चमकती हुई ज्योति भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। मुझसे चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैल रही है, शरीर अलग। अविनाशी हूं, बहुत सूक्ष्म माइन्यूट पॉइंट ऑफ लाइट, मैं पीसफुल हूं। पीस इज माय नेचर। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मुझसे प्योरिटी की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। पूरी बॉडी में फैल रही है। चारों ओर दूर दूर तक फैलकर
वातावरण को प्योरीफाई कर रही हैं। बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा हूं, मैंने इस देह में एंटर किया है, मुझे ये शरीर है वैसे अनेक शरीर मैंने लिए हैं और छोड़े हैं। मैं देही से न्यारी, अविनाशी सत्ता हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। बुद्धि के नेत्र से अब हम ऊपर की यात्रा करेंगे, मन और बुद्धि के द्वारा हमारे ऊपर नीला आकाश, चार तारे, उनके बहुत ऊपर ब्रह्मलोक है। यही सबसे ऊपर निवास है महाज्योति का, निराकार परमात्मा का। वे भी माइन्यूट पॉइंट ऑफ एनर्जी हैं, निराकार हैं, बॉडीलेस हैं। वो इस सृष्टि के बीज हैं, यही वो परम सत्ता है
जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है। जिनसे निकली हुई अनंत शक्तियां सारे संसार की पालना कर रही हैं। ये हम आत्माओं के परम पिता हैं। ज्ञान के सागर हैं। परम सत्य हैं, ट्रुथ हैं। सत्यम शिवम सुंदरम है। वही सत्य मार्ग दिखाने वाले हैं। प्रेम के सागर हैं। हम सभी को बहुत प्यार करते हैं। निराकार महाज्योति विजुअलाइज करें। वे पवित्रता के सागर गति सदगति दाता हैं। इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हैं। सर्वशक्तिमान हैं, ऑलमाइटी हैं। उनकी अनंत शक्तियां सारे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। ये शक्तियों के वाइब्रेशंस फाउंटेन की तरह नीचे आ रहे हैं, मुझ पर पड़ रहे हैं। आ जाएं इस फाउंटेन के नीचे, ऊपर से जैसे कि शक्तियों की बरसात हो रही है।
खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। दीर है बनाई,
का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। अभी अभी
सारे विश्व में भिन्न भिन्न कारणों से अनेक आत्माएं अशांति की ज्वाला में जल रही हैं। ये परमात्म शांति की तरंगें, शीतल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलकर उन सभी के चित्त की अग्नि को शांत कर रहे हैं। सभी का मन शांत हो रहा है। परमात्म शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। सारे संसार में जैसे कि डीप साइलेंस हो रही है। मैं शांति का फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक में। मैं बाप दादा के साथ हूं। बाबा के मस्तक से शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। शांति के सागर का, शांति का संपूर्ण प्रवाह सारे संसार की आत्माओं तक पहुंच रहा है। मैं भी उनके साथ हूं। पीस हाउस, शांति का फरिश्ता मेरे मस्तक से, नैनों से शांति की किरणें निकलकर सारे विश्व में फैल रही हैं। सूक्ष्म वतन से बाप दादा और मैं पीस हाउस, हम दोनों फरिश्ते संसार में शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। संसार की अनेक आत्माएं इस शांति को अनुभव करके शांति के सागर की ओर आकर्षित हो रही हैं। हे संसार की सभी मनुष्य आत्माओं, हे शांति के इच्छुक आत्माओं, आप सभी को ज्ञात हो कि शांति प्राप्ति का अंतिम स्रोत केवल एक शांति के सागर
परमात्मा ही हैं। उनसे शांति मांगने के बजाय उनसे अपनी मन बुद्धि का नाता जोड़ो तो उनकी संपूर्ण शांति तुम्हें अधिकार के रूप में प्राप्त होने लगेगी। इससे तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, तनाव लोप हो जाएगा, समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। याद रखो, शांति के सागर परमात्मा आपके परम पिता हैं, स्वीट फादर हैं। वो आपका आह्वान कर रहे हैं, हे मेरे बच्चे, शांति तो तुम्हारे गले का हार है, पहनो इस हार को, आ जाओ मेरे पास और अपने चित्त को सदा के लिए स्वीट साइलेंस से भर लो। हे आत्माओं, आप सभी को ये ज्ञात हो कि जब आप अपने को इस देह से न्यारी चैतन्य शांत स्वरूप आत्मा स्वीकार करेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर शांति के सागर से मन बुद्धि की तार जोड़ेंगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। अब इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं चमकती हुई आत्मा उड़ चली अपने शांति धाम में। मैं शांति धाम में हूं, जहां चारों ओर असीम शांति है। मेरा चित्त पूरी तरह शांत हो गया है। मेरे सामने है शांति के सागर, उनसे निकली हुई शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। मैं आत्मा भी मास्टर शांति सागर हूं, शांति सागर बाबा के साथ इस संपूर्ण विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैला रहा हूं। ये शांति के वाइब्रेशंस सभी आत्माओं को शांत कर रहे हैं। संसार से अशांति की कालिमा नष्ट होती जा रही है। सभी के चित्त जैसे कि प्रकाशित हो रहे हैं। शांति की तरंगों को पाकर सभी सत्कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं।
इस तरह मैं परम धाम में शांति के सागर से कंबाइंड होकर स्वयं में स्वयं को शांति की शक्ति से भरपूर अनुभव कर रहा हूं। इस शांति से संपन्न होकर मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ सूक्ष्म लोक में, अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर शांति का प्रकाश फैल रहा है। मैं शांति का फरिश्ता, चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाता हुआ अब नीचे उतर रहा हूं। धीरे धीरे सारा आकाश शांति की तरंगों से भरपूर हो रहा है। संपूर्ण प्रकृति शांति की किरणों को स्वयं में समा रही है। मैं फरिश्ता प्रवेश कर लेता हूं अपने स्थूल शरीर में। मैं शांति का फरिश्ता हूं। ये शांति के वाइब्रेशंस मेरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होकर अंग अंग को शीतल कर रहे हैं। शांति के वाइब्रेशंस मेरे शरीर के कण कण में समा गए हैं। अब मैं संपूर्ण शांति से संपन्न हूं। मेरा तन और मन इस शांति की शक्ति से ओतप्रोत है। ये स्वीट साइलेंस मुझे बहुत सुख प्रदान कर रही है। लंबे काल की अशांति मानो लोप हो गई है। अब मुझे इस विश्व रंगमंच पर शांति की शक्ति से संपन्न होकर हर कार्य करना है। मेरी शांति से भरी हुई दृष्टि को पाकर अनेक अशांत आत्माएं भी शांत हो जाएंगी। मेरे समीप आकर अनेकों के तनाव समाप्त हो जाएंगे। मेरे शांति से संपन्न बोल अनेकों के दुखों को नष्ट करेंगे। मैं शांति का फरिश्ता बनकर प्रतिपल चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाऊंगा। मैं शांति के सागर की संतान हूं। शांति तो मेरा स्वरूप है। मैं शांति से भरपूर रहकर ही अपने सारे कार्य संपन्न करूंगा। शांति तो अब मेरी शक्ति है।
शांत स्वरूप हूँ, पीस हाउस हूँ।